दोस्तों एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है हमारे सोनू सिंह यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन पाइप एंड ट्यूब के बारे में, क्योंकि इस टॉपिक को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम पाइप को ट्यूब और ट्यूब को पाइप भी कह देते हैं। बट आज के इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज हम पाइप और ट्यूब में होने वाले सारे कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करेंगे। और वीडियो को देखते टाइम ये ध्यान रहे कि वीडियो को शुरू से आखिरी तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, और जो लोग इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उनका भी मदद करना जरूरी है, तो इसके लिए हमें वीडियो देखने के बाद शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है तो शुरू करते हैं। क्योंकि पाइप और ट्यूब कभी कभी एक ही जैसे लग जरूर जाते हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पाइप और ट्यूब होता क्या है। सो पाइप इज अ हॉलो सेक्शन विद अ राउंड क्रॉस सेक्शन फॉर द कन्वेयंस ऑफ प्रोडक्ट्स। द प्रोडक्ट्स इंक्लूड वाटर, गैस, ऑयल और अदर फ्लूइड सब्सटेंसेस, एंड इट इज डिजाइंड बाय अ नॉमिनल पाइप साइज NPS और DN डायमीटर नॉमिनल दैट रिप्रेजेंट्स अ रफ इंडिकेशन ऑफ द पाइप कन्वेयंस कैपेसिटी। यानी पाइप एक हॉलो सेक्शन है, थोड़ा बारीकी से समझिएगा। हॉलो सेक्शन का मतलब अंदर से खोखला होता है, यानी जिसके द्वारा हम किसी भी मटेरियल या प्रोडक्ट यानी कोई भी उत्पाद को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जाता है। और इसका क्रॉस सेक्शन यानी इसका जो अनुप्रस्थ काट होता है वो राउंड होता है। इसके द्वारा हम जो मटेरियल या प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उसमें पानी, गैस, तेल या फिर कोई अन्य तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। और सबसे खास बात कि पाइप को हमेशा NPS यानी नॉमिनल पाइप साइज या फिर DN यानी डायमीटर नॉमिनल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जो एक तरह से पाइप के अंदर के फ्लो की कैपेसिटी को डिसाइड करता है। NPS और DN एक अलग ही टॉपिक हैं जिनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब थोड़ा सा ट्यूब के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम खास डिफरेंस के बारे में जरूर बात करेंगे। सो ट्यूब रेफर्स टू राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर एंड ओवल हॉलो सेक्शंस दैट आर यूज्ड फॉर प्रेशर इक्विपमेंट, फॉर मैकेनिकल एप्लीकेशंस एंड फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स। ट्यूब्स आर इंडिकेटेड विद आउटर डायमीटर एंड वॉल थिकनेस इन इंचेस और इन मिलीमीटर्स। यानी ट्यूब जो है वो भी हॉलो सेक्शन है, बट इसका जो क्रॉस सेक्शन है यानी अनुप्रस्थ काट जो है वो राउंड या फिर स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। यानी इसका जो अनुप्रस्थ काट है वो या तो गोल या फिर वर्गाकार या आयताकार भी हो सकता है, जिसका उपयोग खास करके किसी प्रेशर इक्विपमेंट या फिर मैकेनिकल एप्लीकेशन या फिर इंस्ट्रूमेंट सिस्टम के लिए किया जाता है। Now let's talk about the difference. So the main difference between a pipe and a tube is the way the diameter of the pipe or the tube is designated. Pipe is normally designated by a nominal pipe size based upon the ID inside diameter of the most common wall thickness, while the tube is designated by the measured OD outside diameter. As an example of a 20 mm steel pipe with 4 mm thickness has an OD of 28 mm, while a 20 mm steel tube has an OD of 20 mm. यानी सबसे पहला और खास difference pipe और tube के बीच जो है उसका diameter को represent करने का तरीका है। यानी pipe का जो diameter है उसको NPS यानी nominal pipe size के द्वारा represent किया जाता है, जो कि उसके inner diameter पर depend करता है, जबकि ट्यूब को हमेशा OD यानी आउटर डायमीटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास 20 mm का पाइप है जिसका थिकनेस 4 mm है, तो इस पाइप का जो आउटर डायमीटर है वो 28 mm होगा, क्योंकि इनसाइड डायमीटर 20 mm है, 4 mm थिकनेस है, तो दो बार थिकनेस जुड़ जाएगा उसमें, 4 mm प्लस 4 mm यानी 8 mm, यानी टोटल 28 mm इसका
ओडी हो जाएगा पाइप का, जबकि अगर 20 mm का ट्यूब आपके पास है तो इसका आउटर डायमीटर भी 20 mm ही होगा। यानी कुल मिलाकर पाइप का इनर डायमीटर हमेशा शेड्यूल के आधार पर चेंज हो जाता है, जबकि ट्यूब का डायमीटर हमेशा सेम ही होता है। ये सबसे पहला और सबसे खास डिफरेंस होता है किसी भी पाइप और ट्यूब में। आगे और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो चलिए उनके बारे में भी एक एक करके बात कर लेते हैं। अगर शेप की बात की जाए तो पाइप हमेशा ही राउंड शेप में होता है, जबकि ट्यूब राउंड शेप के साथ साथ स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर या फिर ओवल शेप में भी हो सकता है। अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो पाइप का साइज 80 इंच या फिर इससे भी ज़्यादा ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्शन उसका किया जाता है, जबकि ट्यूब की अगर बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच तक इसका प्रोडक्शन किया जाता है, और अगर कुछ ज़रूरत हो तो मैकेनिकल एप्लीकेशन के आधार पर ही इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। लेकिन पाइप हमेशा इन स्टॉक में 80 इंच तक आपके पास अवेलेबल रहता है, और ज़रूरत पड़े तो उससे ज़्यादा भी हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अगर मटेरियल की बात की जाए तो पाइप अलग अलग प्रकार के मटेरियल जैसे स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक पाइप्स जैसे PVC, HDPE, GRP पाइप्स, इसके अलावा सीमेंट के भी कुछ पाइप होते हैं जैसे रेनफोर्स्ड कंक्रीट और एबेस्टॉस सीमेंट पाइप जैसे बहुत सारे मटेरियल से बनता है। जबकि अगर ट्यूब की बात की जाए तो इसका जो मटेरियल है वो लिमिटेड होता है, जैसे CS हो गया यानी कार्बन स्टील हो गया, लो एलॉय हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया या फिर निकेल एलॉय वगैरह होते हैं। बट इसमें स्टील ट्यूब्स की बात की जाए तो खासकर मैकेनिकल एप्लीकेशन के लिए कार्बन स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। यानी अभी तक हमने पाइप और ट्यूब में डिफरेंस देखा, वो सबसे पहला तो उसके डायमीटर के आधार पर देखा, उसके बाद शेप के आधार पर देखा, फिर प्रोडक्शन के आधार पर देखा, मटेरियल के आधार पर भी देखा, उसके बाद थोड़ा सा थिकनेस के आधार पर देख लेते हैं कि जब भी पाइप के वॉल थिकनेस की बात की जाती है तो हमेशा ही शेड्यूल को डिफाइन किया जाता है। यानी कि एक स्टैंडर्ड है जिसके तहत ही शेड्यूल के आधार पर पाइप के वॉल थिकनेस को डिफाइन किया जाता है। इस प्रकार एक ही नॉमिनल पाइप साइज का वॉल थिकनेस शेड्यूल के आधार पर अलग अलग हो सकता है, जबकि अगर ट्यूब की बात की जाए तो इसका वॉल थिकनेस शेड्यूल से नहीं बल्कि इंच या फिर mm में डिफाइन किया जाता है, जिसके तहत थिकनेस में कोई चेंज नहीं होता है। अब थोड़ा सा इसका डिफरेंशिएशन मैकेनिकल स्ट्रेंथ पे देख लेते हैं कि अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो पाइप के लिए उतना खास मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये अलग से ही ASME कोड्स और स्टैंडर्ड्स के द्वारा डिफाइन होते हैं। जबकि अगर ट्यूब्स की बात की जाए तो इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान काफ़ी ज़्यादा डायमेंशनल क्वालिटी चेक होते हैं, और जैसे राउंडनेस हो गया, उसका स्ट्रेथनेस हो गया, या फिर सरफेस फिनिश के साथ साथ वॉल थिकनेस को भी देखा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ पर किया जाता है। और अगर एंड कनेक्शंस की बात कर ली जाए तो पाइप का जो एंड कनेक्शन होता है वो या तो प्लेन होता है या फिर बेवेल होता है या फिर थ्रेडेड हो सकता है, जबकि अगर ट्यूब की बात की जाए तो ये थ्रेडेड या फिर ग्रूव टाइप में होता है, जिसे साइड पर आसानी से कनेक्शन करने में आसानी होती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात कर ली जाए तो पाइप का जो प्रोडक्शन होता है बड़ा आसानी से इफ़िशियंट तरीके से होता है, और ये इजीली स्टॉक में अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर ट्यूब की बात की जाए तो इसका मैन्युफैक्चरिंग बड़ा ही लेंदी और लेबोरियस होता है, और आसानी से इसका स्टॉक आपको नहीं मिल पाता है। अगर लास्ट में अगर एक बार मार्केट प्राइस के बारे में बात कर लिया जाए, मार्केट प्राइस को देखा जाए तो ट्यूब का पर टन प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है पाइप की अपेक्षा। इसका एक कारण यह भी है कि ट्यूब का प्रोडक्टिविटी पर आवर काफ़ी कम होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी टॉलरेंसेज और इंस्पेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ट्यूब के मैन्युफैक्चरिंग को। तो इसलिए पाइप का जो मार्केट प्राइस है अगर कंपैरिजन किया जाए ट्यूब से तो कम होता है, और ट्यूब का मार्केट प्राइस कहीं ज़्यादा होता है पर टन के हिसाब से।
तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने पाइप और ट्यूब में काफी खास डिफरेंसेस को हमने अलग अलग तरीके से समझा, अलग अलग एस्पेक्ट के अलग अलग नजरिए से देखा कि पाइप और ट्यूब किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं। अगर इसमें थोड़ा सा कुछ समझने में आपको दिक्कत हुआ हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, और जाने से पहले अगर आप पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जाते जाते बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की और भी आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।